वेलकम टू देव एकेडमी। तो आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स क्लास 10 के सभी चैप्टर्स के टॉप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारा चैप्टर का टॉप 50 क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसका पावर हमेशा प्लस होना चाहिए, मीन्स डिग्री प्लस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कोई सा क्वेश्चन लिखते हैं, 2x² + 4y, ऐसा हम लिख दिए। यहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिख देते हैं 1x + 9, ऐसा लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो x + 9 है ये ऊपर में जाकर के इसका पावर तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। मीन्स पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल होता है। तो ये 3x + 5 पावर पॉजिटिव है, पावर इसका 1 है, पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें से भी y³, y² और y सभी का पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। x³ - 3 पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये 1x + 2, तो ये ऊपर जा कर के x का पावर -1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास 1/a है, तो ऊपर में जा कर के a^-1 हो जाता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से 1x + 2, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 is a 0 ऑफ पॉलिनोमियल, fx = ax²-3 (a-1)(x-1), देन द वैल्यू ऑफ a। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और बोला है इस पॉलिनोमियल का 2 एक जीरोज है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस 2 is a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मीन्स गिवन px, इसका मतलब क्या होता है कि f(2 = 0, इस पॉलिनोमियल का 2 एक जीरोज है, मीन्स 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा जीरो आ जाएगा। तो f(2 = 0, तो जहाँ भी यहाँ पर x है आप उस x के प्लेस पर 2 पुट कर दें, आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ax² x के वैल्यू पर आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 2² - 3 (a-1)(x), x के प्लेस पर 2 रखना है, -1 = 0। अब आप इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 2 = 4a - 3 2 = 6 और a 6a - 3 2 = 6 - 1 (6 - 1)(0). तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4a - 6a - (+6) - 1 = 0। तो 4a - 6a - 2a + (+6) - 1 (5) = 0 - 2a - 5, दोनों तरफ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a = 5/2, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 5/2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन थ्री है, इफ 1 of the 0s ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल (this is -3)। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके 1 0s है -3, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसमें से एक जीरोज दिए रहेंगे और एक k का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो जीरोज जो दिए रहेंगे ना -3, वो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में आपको पुट कर देना है कि -3 दिया हुआ है, अब -3 पुट करके इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास है -3 दिया हुआ है हमारे पास, तो f -3
इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब एफ एक्स लिखें या पी एक्स लिखें, वो पॉलिनोमियल ही रिप्रेजेंट करता है। एफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर रख दी के माइनस वन का के माइनस वन एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स, एक्स है हमारे पास माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थ्री थ्री या नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, नाइन इंटू के, नाइन के माइनस नाइन इंटू वन नाइन, माइनस थ्री इंटू के माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से के को आप एक तरफ रखें, नाइन के और ये माइनस का थ्री के, नाइन के माइनस का थ्री के, सिक्स के माइनस नाइन और प्लस का वन, माइनस एट उधर जाएगा तो प्लस एट, तो के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एट बाई सिक्स, कैंसिल करेंगे तो फोर बाई थ्री, के का वैल्यू क्या आ गया फोर बाई थ्री, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। फोर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ये पीछे वाला जैसा ही क्वेश्चन है, एक जीरोज हमारे पास टू दे दिया है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अब f2 इज इक्वल टू जीरो ले ले, f2 या फिर p2 इज इक्वल टू जीरो, अब इस पॉलिनोमियल पर सेटिस्फाई कर दे, एक्स स्क्वायर एक्स पिंस टू, टू स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, थ्री इंटू एक्स के प्लेस पर टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, टू टू जो फोर प्लस थ्री टू जो सिक्स के इक्वल टू जीरो, तो सिक्स के इज इक्वल टू माइनस फोर, तो के इज इक्वल टू माइनस फोर बाई सिक्स, कैंसिल करें, माइनस टू टू जो टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, कहीं गलत हो गया, ऑप्शन नहीं मिल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर टू टू जो फोर प्लस सिक्स के, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के था, प्लस के था एक्स स्क्वायर टू टू जा, यहाँ से टू टू जा फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, फोर प्लस सिक्स टेन प्लस के इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू माइनस टेन, के का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस टेन, ये माइनस टेन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जब वन जीरोज दिया रहेगा तो, और आपको के का वैल्यू पूछेगा, तो जो जीरो जो दिया रहेगा आप उस जीरोज को आप पॉलिनोमियल पर सेटिस्फाई कर दें, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन फाइव है हमारे पास, इफ टू एंड थ्री आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टू के एक्स प्लस टू एम, देन द वैल्यू ऑफ के, के एंड एम, हमें के एंड एम का वैल्यू फाइंड करके बताना है। हमारे पास अगर दो जीरोज दिए हैं, टू भी दिया हुआ है थ्री भी दिया हुआ है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो दो जीरोज दिया हुआ है तो इसे दो सेपरेट दो बार इसे सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे पास दिया हुआ है टू, टू इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन वी हैव एफ टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक्स के प्लेस पर आप एक्स के प्लेस पर आप टू को सेटिस्फाई कर दें, यहाँ से आ जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर टू के एक्स प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो, सॉरी टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस टू टू जा फोर के प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टू एम माइनस फोर के, प्लस का ट्वेल्व है इधर आके कि माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, तो यहाँ से हम टू से डिवाइड कर देते हैं, एम माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास है, अब एक्स के प्लेस पर जीरो रख देते हैं, एफ थ्री इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारे पास, एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस टू के एक्स, थ्री प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो, थ्री थ्री जा नाइन और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री टू जा सिक्स के प्लस टू एम इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा टू एम माइनस सिक्स के इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन, अब यहाँ से टू कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन आते हैं, अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, तो वहाँ से एम और के का वैल्यू आ जाएगा, और यही मैं पूछा था। तो क्या करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर टू एम बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ भी टू एम है,
और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मीन्स एम टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा उससे, और के का वैल्यू आ जाएगा तो फिर आप इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड किसी में भी आप के का वैल्यू पुट कर दें, आपको एम का वैल्यू पुट कर दें, आपको के का वैल्यू पुट कर दें सॉरी, और आपको एम का वैल्यू मिल जाएगा। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू माइनस इक्वेशन सेकेंड, अब ये ऑपरेशन आप अप्लाई करें, यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू, टू एम, दो से आपको मल्टीप्लाई करना है तो सारे टर्म में दो से, टू टू जब फोर के इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, आप इसको एज इट इज लिखें, सिक्स के इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन, अब आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है तो साइन हो जाएगा हमारे पास चेंज, ये क्या हो जाएगा 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6k और माइनस 5k, प्लस 6k और माइनस 4k, यहाँ से आ जाएगा 2k इज इक्वल टू प्लस 27 और माइनस 12, ये हमारे पास जाएगा प्लस का 15, तो k का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है 15/2, k का वैल्यू हमारे पास आ गया 15/2। अब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए, k का वैल्यू हमारे पास है 15/2, ये रहा k का वैल्यू 15/2, और इसमें भी k का वैल्यू मीन्स m भी हमें फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, मतलब दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, इसमें k 15/2 नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसमें भी k 15/2 है नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। तो k का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे, हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं, हमारा क्या था m माइनस 2k, 2 इंटू k था 15/2 इक्वल टू माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, m माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6, m इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15, तो m हमारे पास आ गया 9, m हमारे पास 9 आ गया और k 15/2, m हमारे पास 15/2 और k हमारे पास 9, k हमारे पास 15/2 है, अच्छा सॉरी वहीं पर हम आंसर मिल गया था, k 15/2 है और m 9 है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन सिक्स है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वैसा ही क्वेश्चन है, आपको माइनस 4 दिया है तो आप माइनस 4 एक्स के प्लेस पर रख दे, आपको p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, आप माइनस 4 रख दे, अब मैं डायरेक्ट में सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आप माइनस 4 रखें, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस 4 माइनस 7p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पर ऐसा रख देना f माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 4 बोला था सॉरी माइनस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8, माइनस को ब्रेक कर देते हैं, ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, माइनस 7p और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करना है तो 16 प्लस 8 24 माइनस 3 21 इज इक्वल टू माइनस 7p है, उधर जा करके प्लस 7p हो जाएगा, 21 बाय 7 इक्वल टू p कैंसिल कर दे, 7 3 जा 21 p का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, p का वैल्यू 3 हमारे पास ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, अब इस पर फोकस करें, एक्स एक्सिस पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है और एट ओनली वन पॉइंट, वो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट कैन बी, वो क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या बोला, हमारे पास एक ग्राफ है हमारे पास, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस इसे x डैश कहते हैं, नेगेटिव y एक्सिस, तो बोला ना x एक्सिस पर कट कर रहा और एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इस x एक्सिस पर कहीं सा भी एक लाइन कट कर रहा है, एक लाइन कट कर रहा है और एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो लीनियर हो जाएगा, अगर दो पॉइंट पर कट करता ऐसा रहता, ये सपोज ये एक और एक दो पॉइंट पर कट किया क्वाड्रेटिक हो जाता, अगर इसे बढ़ा देंगे तीन पॉइंट पर कट जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास ये चार ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है,
आपको पूछा है नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको याद रखना है इसमें से ये u बन रहा है ना, ये u u के शेप का बनता है, u ऐसा सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है, या फिर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ये ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे ही बन सकता है। तो जब भी ऐसा बनेगा तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, उसे पैराबोला कहते हैं, उसे पैराबोला कहते हैं। तो ऑप्शन ए भी हमारा सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अब इसमें से अब सी को आप केयरफुली देखें, इसमें ग्राफ दो जगह पर कट कर रहा है, दो पॉइंट पर कट कर रहा है, और दो पॉइंट पर कट करता है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, और पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। और ये जो पैराबोला है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर भी होता है। तो क्वाड्रेटिक इसका पावर दो आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों ये शो कर रहा है, तीसरे में दो जगह पर ये कट कर रहा है, तो ये भी इसके दो जीरोज है, इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज फाइंड होंगे, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, थ्री पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, हमें तो पूछा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी जो मैं ऊपर बताया उसी को वही क्वेश्चन है यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अ स्ट्रेट लाइन नहीं करता, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताया ये पैराबोला होता है, आपको याद रखना है ये वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज 2 + √3 देन द अदर जीरोज। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एक जीरोज हमारे पास दिया हुआ है 2 + √3, तो हमें अदर जीरोज फाइंड करना है। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज होता है। अब पावर से पहचान ले, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही ये बताता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा। यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक्स है और एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज फाइंड हो गए, उनमें से वन जीरोज हमारे पास 2 + √3 दिया हुआ है, और जीरोज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अल्फा और बीटा, मीन्स अल्फा का वैल्यू हमारे पास 2 + √3 दिया हुआ है, और इससे हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, बीटा का वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या था, हमारे पास गिवन पी एक्स, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x² - 4x + 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी क्या हमारे पास माइनस फोर बाय ए है 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए, वो क्या सी बाय ए है हमारे पास 1/1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दिया हुआ था, अच्छा अल्फा दिया हुआ था हमारे पास, बीटा पूछा था, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2 + √3 दिया हुआ था, आप इसको अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2 + √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 4, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 4 - √3, और ये प्लस 2 है तो इधर आके -2 आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 4 - 2 2 - √3, ये हमारा बीटा आ गया, तो बीटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - √3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अल्फा दिया हुआ था, बीटा फाइंड करना था, जीरोज दिया हुआ था, एक अदर जीरोज फाइंड करना था। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, क्वेश्चन 11 है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6r, इसका जीरोज फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको सॉल्व करना ही आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के जरूर देख ले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या हमारे पास x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसके तो सबसे पहले दो जीरोज फाइंड होंगे, x का पावर 2 है मैक्सिमम पावर, तो दो जीरोज फाइंड होंगे। अब आपको इसको फैक्टर करना है, तो 1 x² कोफिशिएंट 1 × 6
वन इंटू सिक्स, वो क्या आ गया हमारे पास, सिक्स आ गया। अब सिक्स को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आना चाहिए और वही दो नंबर को यहाँ का साइन देखते हैं, यहाँ का साइन देखते हैं, प्लस करके फाइव आना चाहिए। उसी दो नंबर को प्लस करने के बाद फाइव आना चाहिए। तो ये क्या पॉसिबल है, ये अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप इसको फैक्टर कर लें, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, एक नंबर टू मिल गया, एक दूसरा नंबर थ्री मिल गया। देखिए अगर आप यहाँ पे थ्री रखेंगे, थ्री इंटू टू सिक्स आ गया, और आपको यही नंबर को यहाँ भी रखना है, थ्री प्लस टू फाइव आ गया। तो एक हमारे पास थ्री एक्स नंबर मिल गया और एक टू एक्स नंबर मिल गया। आप इसको फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लें यहाँ पर, एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स प्लस थ्री वापस कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री हमारे पास यहाँ बचा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और सेकेंड है एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो हमारा माइनस थ्री और माइनस टू करेक्ट ऑप्शन हो गया, माइनस थ्री एंड माइनस टू, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे आप फैक्टर कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, जीरोज ऑफ पी जेड, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हम जीरोज हमें बताना है। क्या हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 27, तो जीरोज बताना है, तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो, तो जेड माइनस 27 इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 27, माइनस 27 था इधर आकर के प्लस 27 आ गया। जेड इज इक्वल टू इधर रूट आएगा और साथ में प्लस माइनस भी आएगा 27, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 27 को ब्रेक करें, 3 3 जा 9 3 जा 27, आप नहीं तो आप इसको ऐसा फैक्टर कर लें, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, क्या आ गया 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3, अब आपके पेयर बाहर आ जाता है, दो पेयर बन रहा है 3 × 3 1 3 बाहर आ जाएगा 3√3, तो जेड का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 3√3। अब ऑप्शन पर भी फोकस करें, यहाँ पर प्लस रूट थ्री और प्लस और माइनस रूट थ्री है, हमारे पास प्लस माइनस 3√3 आया है, मीन्स 3√3 एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हमें फाइंड करना है। फिर से देखिए, अब एक्स का पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसके दो जीरोज फाइंड होंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो एफ एक्स इक्वल टू है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। तो हमारे पास है ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही है। यहाँ से क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, पहले ना एक्स वाला टर्म ले लेते हैं, यहाँ से ए वाला टर्म ले लेते हैं, अच्छा बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किए, बी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, या फिर ए एक्स सी कुछ भी आप बोले, ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए बी इंटू एक्स और ए सी इंटू एक्स, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ए भी यहाँ भी, यहाँ भी है एक्स और एक्स, यहाँ से ए एक्स कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, बी एक्स, और यहाँ पे ए एक्स कॉमन आ गया था, बच गया सी। और फिर इन दोनों से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन बी स्क्वायर एक्स और बी सी, हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बी एक्स, बी कॉमन ले लिए, बी वन भी बच गया था और एक्स, बी एक्स माइनस बी कॉमन ले लिए, यहाँ पे सी बच गया इज इक्वल टू जीरो। अब वापस बी एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस सी, अब बी एक्स माइनस सी कॉमन ले ले, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दें, एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दें, एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा, और यही में फाइंड करना था, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, सेकेंड में ले लें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से आएगा बी एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी बाई बी, ये एक्स का एक वैल्यू आ गया, दूसरा हमारे पास ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए, हमारे पास दो वैल्यू, ये इंटू में था डिवाइड में आ गया, तो एक्स इक्वल टू सी बाई बी और माइनस बी बाई ए,
एक्स इक्वल टू सी बाई बी और माइनस बी बाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा आसानी से हो गया। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज माइनस टू एंड फाइव इज। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स हैं और उस पॉलिनोमियल्स के जीरोज माइनस टू कॉमा फाइव हमारे पास दिए हुए हैं। तो बोला कि हमारे पास जिस पॉलिनोमियल से ये जीरोज फाइंड करके लाए होंगे उसके और भी कितने पॉलिनोमियल्स, और भी कितने जीरोज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास एक जीरोज अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो हमारे पास एक दिया हुआ है अल्फा 3 दिया हुआ है और बीटा हमारे पास दे दिया है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दे, अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास आ जाएगा 538। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर, सॉरी अल्फा हमारे पास है माइनस टू, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू फाइव, माइनस टू इंटू फाइव इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा यहाँ से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस 10। तो इस पॉलिनोमियल से माइनस 2 एंड माइनस 5 दो जीरोज फाइंड किए गए होंगे। तो हमें पूछा है कि क्या और भी इसी तरीके के पॉलिनोमियल से क्या यही जीरोज हमारे पास आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कितने जीरो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे ना, आप इसमें आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लें। सपोज हम सबसे पहले k से मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx माइनस 10 माइनस 10k, ठीक है। हम k से मल्टीप्लाई किए, आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको एक और दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप k के प्लेस पर कुछ भी रख लें, सपोज हम 2 रख लेते हैं, तो 2 रख लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3 6x माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे 2 10 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पॉलिनोमियल का आप जीरोज फाइंड करें, क्या होगा, 2 20 2 40 40 आ गया। आपको दो नंबर ऐसा सोचना है, मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए और माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो 10x माइनस 4x 6x और 10 4 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ से 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 के इक्वल करें, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, और यहाँ से आएगा 2x माइनस 2 माइनस 4 एक्स इक्वल टू माइनस 2, क्या आया x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में भी देखें, x इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ था और x इक्वल टू 5 दिया हुआ था, दो जीरोज, और फिर से हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किए उस पॉलिनोमियल में तो भी हमारे पास वही जीरोज आया। तो ऐसा बोला है कि कितना पॉसिबल है, तो ऐसा तो बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। अब यहाँ पर 3 भी रखेंगे तो भी आपका यही दोनों वैल्यू आएगा, 4 भी रखेंगे तो भी यही आएगा, तो ऐसा तो बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3। तो ये आपको समझ आ गया, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऑप्शन है ट्रू फॉल्स कांट से एंड पार्शियली ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि क्या ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इसी पॉलिनोमियल के 1 और 2 जीरोज है या फिर नहीं है, ये सही है या गलत है, ऐसा बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस 1 को आप एक बार इसको इसमें पुट कर दें, फिर एक बार 2 को इसमें पुट कर दें। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार हमारे पास क्या था, 1 था, आप एक बार इसको 1 रखे देखें, जीरोज बोला है मीन्स p1 इक्वल टू 0 होगा, आप इस पर 1 रखे देखें, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वहाँ पर आप 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3x 3 इंटू 1 प्लस 2 इस, हमें तो 0 ला करके देखना है कितना आता है,
1 माइनस 3 वन जा 3 प्लस 2, क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। मीन्स P1 हमारे पास 0 ये सेटिस्फाई कर गया। अब एक बार P2 यहाँ पे ले, पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या था पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 रखें, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 लाना है मुझे। 2 2 जब 4 माइनस 3 2 जब 6 प्लस 2, यहाँ से क्या आ गया 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से भी 0 आ गया। मीन्स दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। मीन्स इस पॉलिनोमियल के ये जो 1 और 2 हैं वो जीरोज हैं, ये हमारा सही ऑप्शन ट्रू हो गया। अब दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसको जो हम लोग जनरल फैक्टर करते हैं फैक्टर कर ले, वहाँ से भी x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा आसानी से हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर का मैथ्स क्लास 10 का टर्म 1 के लिए जितने भी 15 चैप्टर है सारे चैप्टर से मैं टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव MCQ में करवाऊंगा। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। बोला कोई सा भी रियल नंबर वो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म वो सारा रियल नंबर होता है। तो ये तो ऐसे ट्रू हो गया, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। जितने भी नंबर है 2 3 5 कोई सा भी अगर हम नंबर ले लेंगे तो वो सारे जीरो पॉलिनोमियल है और ये रियल नंबर भी है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो कंडीशन है वो सही है। एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो ये सही है, ट्रू है ये हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, बोला है पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स है, ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। तो बोला है क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कांट से या पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया था पी एक्स इक्वल टू हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास पी एक्स कितना दिया था एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एक्स हमारा जी एक्स का फैक्टर है, मीन्स ये जो एक्स इक्वल टू 1 है वो इस जी एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो 1 आप इस जी एक्स के प्लेस पर पुट कर दें, मीन्स जी एक्स भी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर दें, एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 1 प्लस 1, यहाँ से क्या आ जा रहा है 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, तो ये भी हमारा 2 है, ये सही है, ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट आप डिवाइड करके बना सकते हैं, x माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से आप डिवाइड कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x इंटू x, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस x, साइन चेंज करें, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, साइन चेंज प्लस माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स पी एक्स इस जी एक्स का एक फैक्टर है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको दोनों तरीका आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो गया। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 3 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, फिर से हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन है, 3 पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिया है, तो इसमें से हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 पॉलिनोमियल का जीरोस दिया है, तो यहाँ से हमारे पास एफ 3 इक्वल टू 0 आएगा। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपसे क्वेश्चन फिर बनने लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं PDF में देता रहता हूँ ऐसा क्वेश्चन का, आप वहाँ से वहाँ जा करके आप PDF डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। F3 इज इक्वल टू 0, अब x के प्लेस पर 3 रख दे, क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस x मीन्स 3 प्लस k इज इक्वल टू 0,
यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 3 3 जा 9 +3 +k = 0, 2 9 जा 18 +3 + k = 0, 18 + 3 = 21 +k = 0, तब k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -21, k का वैल्यू हमारे पास आ गया -21, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे पास 18 भी हो गया। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल x²-7x+k सच दैट α-β=1, α-β हमारे पास 1 दे दिया है, तो k का वैल्यू मुझे पूछा है, k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या x²-7x+k, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, α+β क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, b हमारे पास क्या है -7 है, a हमारे पास क्या x²कोएफिशिएंट 1, तो -×-7 आ गया। अच्छा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, c/a, c क्या है हमारे पास k और a है 1, तो k/1 k आ गया हमारे पास। और मैं क्वेश्चन में गिवेन था α-β=1, α-β=1, तो α+β=7 को हम 1 मान लेते हैं और α-β=1 इसको दो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, α+β और α-β, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा, α+α 2α = 8, तो α = 4। आपको तो सॉल्व करने तो आता ही होगा, क्या किया हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कट गया, और α+α 2α और 7+1 8, 2α = 8, तो α = 4, और अल्फा का वैल्यू किसी में रख दे तो वहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, α = क्या आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर α = 4 रख देंगे, अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो बीटा फाइंड करना है, तो 7-4 उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ क्या करें ना, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा 4 रख रहे हैं, 4+β = 7, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 7-4 = 3, बीटा हमारे पास 3 आ गया, बीटा हमारे पास 3 आ गया। तो क्वेश्चन के का वैल्यू पूछा था, आप इसमें रख दें के का वैल्यू आ जाएगा α×β = k, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, α×β = k, α 4 था β 3 था = k, तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, k = 4 3 12, ये k का वैल्यू हमारे पास आ गया 12, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ दिया, क्या ये सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला ये होता है, ट्रू फॉल्स कांट से और पार्शियली ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है। तो सम ऑफ जीरोज मींस α+β का फार्मूला क्या होता था हमारे पास, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये तो सही है, ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज α+β का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था हमारे पास, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता था हमारे पास। तो आपको दोनों याद रखना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको दोनों याद रखना है। तो इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन हो गया, आप इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें, इससे आपका बाहर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में टर्म वन में नहीं आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपको ये पार्ट वन है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन पॉलिनोमियल के ही मिल जाएंगे, ऐसा ही आपको सभी चैप्टर्स के 50-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये हैंड रिटन सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।